इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 10 है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसे हम सिंपली कहते हैं MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग्स, अब मैकेनिज्म MOA मैकेनिज्म कैसे होगा? अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फार्माकोलॉजी जो है ड्रग्स की तरफ आप आ रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपके साथ यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। आपके साथ जो है थ्री वे से मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ड्रग मे डू इट्स एक्शन बाय ऑन द फॉलोइंग, थ्रो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के साथ आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसके साथ ड्रग बाइंड होके इनसाइड आपके बॉडी में क्या एक्शन शो करता है, ठीक है। थ्रो केमिकल एक्शन, केमिकली जो है वो स्टमक के साथ जो है कुछ ना कुछ एक्शन करता है। थ्रो फिजिकल एक्शन, वो आपके बॉडी पर जो है फिजिकली भी कुछ ना कुछ एक्शन शो कर सकता है। थ्रो रिसेप्टर, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिसेप्टर्स के साथ कैसे ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इफेक्ट बाय चेंजिंग द फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। एक सेल है, एबनॉर्मल हो चुका है, अब उस पर एक रिसेप्टर पाया जा रहा है, मैं उसके साथ एक ड्रग को ऐड करूँगा, ठीक है। वो ड्रग उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, फिर वो सेल में इंटर होगा और सेल के फंक्शन को चेंज करेगा, उसे नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर आएगा। ड्रग रिसेप्टर में भी इनसाइड द सेल और ड्रग फर्स्ट इंटर द सेल एंड देन बाइंड विद द रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ सेल टू विच अ ड्रग बाइंड। ड्रग में एक्ट एज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या पार्शली एगोनिस्ट। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ड्रग जो है आपके जो रिसेप्टर्स है, सॉरी, आपके रिसेप्टर जो है वो इनसाइड सेल भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग पहले इंटर होगा, फिर उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एक्शन शो करेगा, रिसेप्टर के बगैर एक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। या आप जो है सरफेस ऑफ सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन पर भी पाए जाते हैं रिसेप्टर, उसके साथ जो है बाइंड होगा और फिर अपना एक्शन शो करें। अच्छा, ड्रग में एक्ट एज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट, ये कुछ टर्म्स हैं फार्माकोलॉजी के, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियली एगोनिस्ट, ठीक है। ये टर्म्स आपके मे बी दो तीन टॉपिक के बाद आपके एक आते हैं टर्मिनोलॉजीज, उसमें इस वन बाय वन टर्म्स को जो है काफ़ी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आपके पेपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आएंगे, तो उसमें मैं आपको ये एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और पार्शियली एगोनिस्ट इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, थ्रो केमिकल एक्शन, केमिकली कैसे एक्शन करता है ड्रग में एक्ट इज अ केमिकल एक्शन, लाइक जैसे एसिडिटी ऑफ सम स्टमक इज न्यूट्रलाइज बाय टेकिंग अ बेस लाइक एंटासिड सिरप विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिसेप्टर। सेम यहाँ देखें, केमिकल एक्शन, एक तो रिसेप्टर के जरिए एक्शन करता है हमारी बॉडी में ड्रग्स, एक केमिकल एक्शन करता है। केमिकली एक्शन वो कैसे कर रहा है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, फॉर एग्जांपल आपके स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो एसिडिटी इंक्रीज हो गई है तो हम उसे क्या देते हैं, एंटासिड सिरप देते हैं। एंटासिड सिरप जो है वो बेसिकली क्या होता है, बेस इन नेचर होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। जब वो उस एसिड के साथ मिलता है, जो स्टमक का एसिड लेवल इंक्रीज हुआ था उसके साथ जब बेस मिलता है, तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके साथ क्या बनता है, वाटर प्लस साल्ट बनने लगता है, तो फिर जो स्टमक का एक्स्ट्रा जो एसिड लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है और हमारे साथ जो है वो वाटर और साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, किसी रिसेप्टर की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया स्टमक के एसिड ने, और जो हमने ड्रग दिया था वो बेस इन नेचर था, अल्कलाइन इन नेचर था, उन्होंने आपस में रिएक्शन किया और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। थ्रो फिजिकल एक्शन, सम ड्रग एक्ट बाय दिस वे, फिजिकल रिएक्शन कैसे दे रहा है, लाइक मैनिटोल इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय इट्स प्रेजेंस इन यूरिन, ठीक है। जैसे मैनिटोल है हमारे साथ एक ड्रग है, ठीक है, जिसका काम क्या है हमारे साथ यूरिन को इंक्रीज करना, ठीक है। यूरिनेशन बाद लोगों की जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम देते हैं, तो आउटपुट बाय इट प्रेजेंस इन यूरिन, तो वो यूरिन आपको नज़र आता है, सो इट्स अ फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह लोकली या टॉपिकली व्हेन आई ड्रॉप्स आर स्किन क्रीम इज यूज, ठीक है, आप स्किन पर जो है किसी क्रीम वगैरह को, आपका स्किन पर जो है वो कोई भी आपकी स्किन इन्फेक्टेड हो चुकी है और उस पर जब आप कोई मेडिसिन वगैरह स्किन के लगाते हो, ठीक है, तो आपको फिजिकली एक्शन शो हो रहा होता है, कुछ दिनों बाद वो क्लियरेंस देता है, आपका स्किन ठीक होने लगता है।
इसी तरह आइस वगैरह जो है वो आपके जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, रेडिश हो चुके हैं इन्फेक्शन की वजह से। जब आप उसमें ड्रॉप डालते हो तो कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके वो रेडनेस ख़त्म होती है। तो ये फिजिकली देखिए आपको एक्शन जो है वो शो हो रहा है। सिस्टेमिक वेन ड्रग इज़ डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट टिश्यू बाय ब्लड, ये भी हम बोल चुके हैं सिस्टेमिकली। जब आपका ड्रग जो है, ये क्लास में मैंने बताया था, जब डिफरेंट टिश्यूज़ में आपका जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। थैंक यू।